CCTV cameras have been installed at the protesting site and nearby areas of Swasthya Bhavan in Salt Lake, where the junior doctors are continuing their protests. The doctors have been demanding justice. Banerjee have hit roadblock, and the doctors have also demanded, have written letter to Draupadi Murmu. So what is the ongoing development between the West Bengal government and doctors staging protest? का है अभी भी जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, मगर डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट को लेकर कब तक ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, कब तक ये सिचुएशन ठीक होगा, ये सवाल ही सबके मन में है। क्योंकि एक तरफ दिखा गया कि ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर्स का ये जो मीटिंग में एक कंडीशन के कारण में ये मीटिंग कैंसिल हो रहा था, वो है लाइव स्ट्रीमिंग। एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि उनको लाइव स्ट्रीमिंग ही करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था करीब 2.5 घंटे का जो फुटेज, उसमें से सिर्फ 40 मिनट पुलिस को दिया गया था। जैसे पुलिस की तरफ से कहा गया था कि टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से नई वीडियो मिल पाया, और इसी जगह से डॉक्टर्स का कहना है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर उन लोगों का भरोसा नहीं है, वीडियो का लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा जिसमें जो लोग उन लोगों के साथ शामिल हुए रहे इस पूरा मीटिंग में, ये पूरा प्रोटेस्ट में जो लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को जानने का हक है कि मीटिंग में क्या क्या लेकर डिस्कशन हुआ, मीटिंग में क्या क्या डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया और ममता बनर्जी की तरफ से क्या क्या आश्वासन दिया गया, इसको लेकर ये जानने का हक सबका है। और इसी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग का जो कंडीशन, वो कंडीशन में ही डटे हुए हैं डॉक्टर्स, और ये जूनियर डॉक्टर्स के साथ अभी मीटिंग कब होगा ममता बनर्जी का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मगर दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट साइट है, इसके ऊपर एक थ्रेड आने की वजह से कल बीआरनगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पूरा उस एरिया को सीसीटीवी लगाया गया, क्योंकि जो जिस जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है उस जगह में एक थ्रेड कॉल आया था, और एक थ्रेड कॉल सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ है, और उसको लेकर ही विधाननगर पुलिस की तरफ से ये सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है, और जो विधाननगर पुलिस के जो फोर्स को भी इंक्रीज किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.